अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है इंशाल्लाह, सब अजल ठीक ठाक होंगे जी व्यूअर्स। वो समोसों और पकौड़ों को भूल जाएं और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की और लजीज सी और मज़ेदार सी डिश। डिश का नाम है दही फुलकियाँ। दही फुलकियाँ जो हैं वो बहुत ही खाने में मज़े की लगती हैं, पुलाव के साथ तो ये दुबला कर देती हैं मज़े को जनाब। आज हम बनाते हैं दही फुलकियाँ। दही फुलकियों के लिए मैंने एक प्याली जो है वो ले लिया है बेसन। इसमें डालते हैं हाफ टेबल स्पून के करीब नमक, या एज योर टेस्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें नमक और स्पाइसेस। मिर्चें ले ली हैं मैंने हाफ टी टेबल स्पून के करीब जी व्यूवर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जनाब जब सब्सक्राइब कर ही दिया है तो साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें जनाब। बेल आइकन का बटन आपने प्रेस किया, और साथ ही मैंने डाल दी इसमें चिली फ्लेक्स। इसमें डालते हैं धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून के करीब, और जीरा पाउडर डालते हैं हाफ टी स्पून के करीब, और इसमें कलर के लिए कुछ डालते हैं अच्छा सा। और कलर के लिए हम डालते हैं हल्दी, अगर आप कलर फूड कलर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, इससे कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है जी व्यूवर्स। इसको बनाने के लिए स्मूदी सा इसमें डालते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है। इससे क्या होगा, इसमें चंक्स बनेंगे, और चंक्स जब बनेंगे तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा नरमी आ जाएगी और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे जी। हम लेते हैं साबुत धनिया भी साथ में, थोड़ा सा हाथों के साथ मसल लेते हैं, और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ताकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ शुटलियाँ हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाएं जी व्यूअर्स। हाथ आपको कुछ जाने पहचाने से लग रहे होंगे जनाब जी व्यूअर्स। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालते हैं। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाल के फिर मिक्स करना है, ताकि एक ही दफ़ा डालने से ज़्यादा पतला ना हो जाए जी व्यूअर्स। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जितना आप इसे फेंट सकें उतना फेंट लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ भी इसको बीट कर सकते हैं जी व्यूअर्स। हम इसको इसलिए फेंटेंगे कि इसमें जो एयर है वो जमा हो जाए। जब एयर जमा होगी तो ये खुद ही फूलना शुरू हो जाएगा। ये देखें मैदा बेसन हमारा जो है वो फूलना शुरू हो गया है। फेंट फेंट के फेंटें, फेंट फेंट के फेंटें, बीट करें बीट करें। आज हम सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं, काम हमारे मियाँ साहब कर रहे हैं जी व्यूअर्स। देखें हमने कितना सा बेसन डाला था और कितना ज़्यादा हो गया है ये बीट करने से और बेकिंग पाउडर से, बेकिंग सोडे से हुआ है। अब इसमें मज़ीद हरियाली लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं सिलेंट्रो, धनिया और हरी मिर्चें, और थोड़ा सा मिंट पुदीना, पुदीने की दो तीन पत्तियां इसमें डाल के इसको थोड़ा सा हरियाला सा ग्रीनरी इसमें ले आते हैं जी व्यूअर्स। देखें हमारा बेसन जो था वो हरा भरा सा हो गया है, और इसको रखते हैं 10 से 15 मिनटों के लिए रेस्ट पे। ये देखें इसकी थिकनेस जो है वो इतनी ही होनी चाहिए, इतना ही पतला और इतना ही सख्त होना चाहिए। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं जी व्यूअर्स। जब तक बेसन को देते हैं रेस्ट, उस वक्त तक हम तैयार कर लेते हैं दही, क्योंकि आज बनने जा रही हैं दही फुलकियाँ। तो दही तो बनना बहुत ज़रूरी है, और दही भी ऐसा बनेगा कि बस मज़े आ जाएंगे आज आपको अफ्तारी के। इसमें थोड़ा सा डालें नमक, थोड़ी सी डालें सुरख मिर्च। सुरख मिर्च की जगह आप अगर काली मिर्च डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल दें हाफ टेबल स्पून के करीब, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप चाट मसाला होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जी व्यूअर। इसको बीट ले, इसके अंदर जो चंक्स होते हैं उनको खत्म कर दें, और इनको अच्छी तरह इतना बीट करने के बाद इसमें एक मुलायमियत सी जो है वो आ जाए, दही मुलायम हो जाए, पतला ना हो जाए, बस इसकी फुटकी खत्म हो जाए जी व्यूअर्स। हमारा दही भी हो गया तैयार। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो टेम्परेचर कढ़ाई का जो है वो कम हो जाएगा, और फलियाँ जो है ज़्यादा
घी निचोड़ लेंगे जी। व्यूअर्स इसको हल्की आंच पे बिल्कुल पकाना है, और इसको डालते वक्त और डालने के बाद बिल्कुल भी इनको नहीं टच करना है। जब ये खुद ब खुद घी के ऊपर आ जाएंगे तब इनको अलट पलट करेंगे, उलट पलट करेंगे। ये फुल्कियाँ बन रही हैं हमारी आज, दही फुल्कियाँ जी। व्यूअर्स देखें कितना मज़े का कलर आया है हमारी फुल्कियों का। ये उस वजह से है जो हमने इसमें हल्दी डाली थी। अगर हम इसमें फूड कलर डाल दें तो भी कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा आता है, नहीं तो बेसन का कलर जो है वो फीका फीका सा होता है। व्यूअर्स देखें कितनी मज़े की और फूली हुई हमारी फुल्कियाँ बन रही हैं। और इनको जब हम निकालेंगे तो हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए खुश्क होने देंगे, ठंडी होने देंगे, और फिर हम इसको डालेंगे पानी में। पानी में डाल के फिर हम इसको दही में इंसर्ट करेंगे और मज़े से अफ्तारी करेंगे। जिस जिसने अफ्तारी करनी है वो हमारी फुल्कियाँ खाने के लिए तशरीफ़ ले आए हमारे घर में। वेलकम टू ऑल मेंबर्स। अब इन्हें निकालते हैं, गोल्डन कलर आ गया है। पानी ले लिया हमने एक बाउल में और फुल्कियाँ डालते हैं इसमें। एक एक करते इसमें सारी फुल्कियाँ डाल दें। फुल्कियाँ देखें हमारी ठंडी हो गई थी, फिर हमने इसे पानी में डाला है। इसको पानी में 2 से 3 मिनट के लिए डीप रहने देते हैं।